बुरहानपुर, लंका बेकर, काउधार तथा गांधी नगर में भी सैकड़ों मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। न्यूज प्लस संवाददाता रंजनी गौतम ने विभिन्न बूथों में जाकर मतदान का जायजा लिया, वहीं मतदाताओं तथा कुछ उम्मीदवारों से भी बात की। आइए नजर डालते हैं रंजनी गौतम की खास रिपोर्ट पर। आपने नहीं छोड़ना हमारा बात, भैया नंबर क्या है आपका? नंबर नहीं वार्ड नंबर 10 में, यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। कोरोना का ध्यान रखते हुए सभी मास्क पहने हुए हैं और सैनिटाइजर का विशेष रूप से प्रयोग किया जा रहा है। इसी के साथ हम कुछ मतदाताओं से बात करना चाहते हैं। इसी संबंध में हम मैम आपसे बात करना चाहेंगे कि आप किस उद्देश्य से वोट डाल रहे हैं? मैम आप कैसे मतदान, मतलब आप किस तरह के उम्मीदवार को चुनना चाहिए? मतलब जीतना चाहिए सब ना, काम भी करना चाहिए सब। मतलब आपका बोलने का मतलब है कि जो बाल के विकास के लिए कार्य करें, ये काम करना चाहिए बाल विकास। टीवी चैनल में आपका स्वागत है। न्यूज प्लस आपको ले आया है एक वार्ड में। आज यहाँ पर वोटिंग चली है, ये है वार्ड नंबर 10। यहाँ के प्रत्याशियों से हम बात करना चाहेंगे। हम आपसे बात करना चाहेंगे मैम कि आज वोटिंग हो रही है और मतदाता काफी संख्या में यहाँ पर वोट डालने आए हैं, तो मैम आपको ये सब देखकर कैसा लग रहा है? मैं वार्ड नंबर 10 की प्रत्याशी मापाल हूँ, तो यहाँ पर सुबह 8 बजे से लोगों को वो काफ़ी संख्या में लोग आए थे और साथ ही कोरोना काल में यहाँ पर पूरी डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है और लोग मास्क भी पहन रहे हैं और साथ साथ में सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और हम तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लोग बड़े अच्छे तरीके से मतलब इस वार्ड में सुचारू रूप से जो है ये कार्य चल रहा है। थैंक यू मैम। अब हम मैम से जानना चाहेंगे कि अगर ये इस चुनाव में विजयी रहते हैं तो ये अपने वार्ड के लिए कौन कौन से कार्य करेंगे? हाँ, मुझे ये तो आने पर ही पता चलेगा, मगर मुझे फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं विजयी हूँ और इस वार्ड में जितने भी विकास कार्य हैं उनको करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हूँ। थैंक यू मैम। इसके साथ ही मैं आप लोगों से धन्यवाद चाहूँगी और जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वार्ड के उम्मीदवार के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू। वार्ड नंबर 8 में ही हम एक और मतदाता से बात करना चाहते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आइए किन उद्देश्यों के साथ मतदान कर रहे हैं? आकांक्षा जी, यही उद्देश्य है कि अब हमारे वार्ड में जो भी है और तरक्की हो, वार्ड का और विकास, हर बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हर व्यक्ति, हर मतदाता उसी उम्मीदवार को वोट देना चाहता है जो कि वार्ड के विकास के लिए कार्य करे। इसी के साथ मैं चाहती हूँ धन्यवाद आपसे और इसी के साथ मुलाकात होगी एक नए वार्ड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। आज हम आपको लिए चल रहे हैं वार्ड नंबर 8 में। वार्ड नंबर 8 में सुचारू रूप से वोटिंग चल रही है। इसी संबंध में हम यहाँ के कुछ मतदाताओं से बात करना चाह रहे हैं। तो मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर मतदान करने आए हैं? हम चाहते हैं कि जो भी नया उम्मीदवार है वो अच्छे मतलब कार्य करे और कार्य के साथ वो प्रगति हमारे पास। ठीक है मैम, आपने नहीं छोड़ना हमारा बात। नंबर क्या है आपका? नंबर नहीं दो आपको
ऐसा है कि यहाँ पर पूरे सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क लगा के आप सैनिटाइजर वगैरह यहाँ रखे हुए हैं, और जो भी अगर उसको दूरी बढ़ा के हम सैनिटाइज करते हैं, और यहाँ पर लिस्ट है जी हमारे पास, जिनको नहीं पता अपना नंबर यहाँ से हम देंगे, उनका नंबर देते हैं, जो भी उनका नंबर है फिर ऑफिसर वेरीफाई करते हैं जी, उस तरह से हम जो पूरा पालन करके जो कर रहे हैं और बिल्कुल दूरी रखे और इस तरह हम इस उद्देश्य से उम्मीदवार चुनेंगे कि भाई अपना जो वार्ड का विकास कर सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि अच्छा विकास हो, अच्छा आदमी काम कर सके, अपनी नालियाँ वगैरह ठीक हों, स्ट्रीट लाइट्स हों, जो अच्छे अच्छे काम साफ सफाई, विशेषकर साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखा, वो इसलिए चाहते हैं कि अच्छा आदमी हो जाए और हमारी सब समस्याओं को समाधान करें, ये मैं तो सबसे पहले उनको ही संदेश देना चाहता हूँ कि पहले तो जो कोरोना वायरस चला हुआ उससे मतलब सावधानी बरत के उस तरह से गज की दूरी बना के सैनिटाइज होकर जाए, आप सब डिस्टेंसिंग रखें और अपना वोट करें, और उसके अलावा जो है ऐसे अच्छे आदमियों को चुने जो विकास आपके वार्ड का विकास कर सके और सफाई वगैरह व्यवस्था अच्छी तरह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। अभी हम वार्ड नंबर 11 में हैं। वार्ड नंबर 11 में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर मतदान सुचारू रूप से चला हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और मास्क का भी प्रयोग है, और सैनिटाइजर भी अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी संबंध में हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे, ये हमारे साथ मैम, ये अभी फर्स्ट टाइम वोट देना चाहते रहे हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनको कैसा अनुभव हो रहा है और ये किस तरह से वोट देंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक पार्ट बन रही हूँ, लीगल एज है मेरी, एंड आई फील गुड दैट आई एम लाइक यू नो मैं हिस्सेदार हूँ इस लीडरशिप को एक प्रेजेंटेशन देने के लिए। ठीक है मैम, और हम जानना चाहेंगे मैम, आप किस उद्देश्य के साथ वोट दे रहे हैं, मतलब आप क्या सोच कर वोट दे रहे हैं, कैसे प्रतिभागी को आप चुनाव में विजयी बनाना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि वो जीते जो इस जगह की डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा हाथ रखें, एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। न्यूज प्लस टीवी चैनल आपको बुलाया है कुल्लू के वार्ड नंबर 9 पर। वार्ड नंबर 9 पर यहाँ पर मतदान चले हुए हैं। यहाँ पर इस वार्ड नंबर के जो मतदान केंद्र है दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग में 853 मतदाता रहेंगे, और ये सीरियल नंबर 1 से 853 तक रहेंगे, और 859 से लेकर 1614 तक दूसरे बूथ पे वोटिंग होगी। इसी संबंध पे हम यहाँ पर मैम से बात करना चाहेंगे। मैम, आप किस उम्मीद के साथ, किस उद्देश्य के साथ वोट दे रहे हैं, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे प्रत्याशी को भी बनाना चाहेंगे? ठीक है मैम, थैंक यू। इसी के साथ हम आपको लिए चलेंगे एक नए वार्ड के साथ। इसी बातों के साथ थैंक यू। Why are you?